चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। आज के वीडियो में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो हमारा चैप्टर चल रहा था, या आप बोल सकते हैं यूनिट चल रही थी, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं आज के वीडियो में। इंडिफरेंस कर्व का पूरा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, स्टार्टिंग होगी मीनिंग से, स्केड्यूल देखने वाले हैं, डायग्राम देखने वाले हैं, इंडिफरेंस मैप भी देखने वाले हैं और लास्ट टॉपिक इस वीडियो का इंडिफरेंस कर्व के प्रॉपर्टीज या फीचर्स होने वाला है। तो भाई शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूं विद रेलेवेंट एग्जांपल, जिससे ये टॉपिक आपको कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। राइट, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व के मीनिंग से। राइट, एन इंडिफरेंस कर्व शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। इंडिफरेंस कर्व दो कमोडिटी के वेरियस कॉम्बिनेशन हमें दिखाता है, विच गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। दो कमोडिटी के वेरियस कॉम्बिनेशंस जो कि हमें इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे, हमें मतलब कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे। विच शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। हो रहा बच्चों क्लियर? इन डिफरेंस कर्व, डिफरेंस मतलब अलग अलग, इन डिफरेंस मतलब सेम, मतलब दो कमोडिटीज, दो गुड्स के ऐसे कॉम्बिनेशंस जो हमें इक्वल सेटिस्फेक्शन डिराइव करेंगे। यस और नो? चलिए, इंडिफरेंस स्केड्यूल क्या होता है? जब उन कॉम्बिनेशंस को हम एक टेबल की फॉर्म में प्लॉट कर देते हैं, उसको हम इंडिफरेंस स्केड्यूल या शेड्यूल या टेबल भी बोल सकते हैं। राइट, सबसे पहले कॉम्बिनेशन से हम वेरियस कॉम्बिनेशन की बात कर रखी हमने, ए बी सी डी ई, फिर एक्स यूनिट्स हैं और वाई यूनिट्स हैं। दो गुड्स थे हमारे पास, एक एक्स गुड्स और एक वाई गुड्स, कोई भी हो सकता है। राइट, अब यहां पर देखिए, जब हम एक यूनिट्स एक्स गुड्स की ले रहे हैं, तो हमारे पास 30 यूनिट्स हम किसकी ले रहे हैं? वाई गुड्स की ले रहे हैं। यस और नो? मेरा बच्चों क्लियर? ये सेटिस्फेक्शन हमें एक्स यूनिट का दे रही है। अब जैसे ही हमने इस यूनिट को बढ़ाया, कंजप्शन बढ़ा दिया भाई, दो यूनिट का कंजप्शन यहां पर कर रहे हैं, यहां पर ये 25 हो गया। अगेन MRS का कॉन्सेप्ट, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट, एक यूनिट को बढ़ाने के लिए दूसरी यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बिकॉज आर रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड है, गिवन और कॉन्स्टेंट है। अब हमें कॉम्बिनेशंस के हिसाब से खेलना है और उसी के हिसाब से ही हमें यूटिलिटी कंज्यूम करनी है। सेटिस्फेक्शन लेवल देख सकते हैं, सब में इक्वल रहेगा, चाहे आप दो यूनिट एक्स कमोडिटी की कंज्यूम करें और 25 यूनिट्स वाई कमोडिटी करें, सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है टू द कंज्यूमर। बच्चों क्लियर? तो यहां पर इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है? वेरियस कॉम्बिनेशंस पे जब हम दो कमोडिटीज को कंज्यूम करते हैं, 1 ये करा, 30 ये करा, 2 ये करा, 25 ये करा, 3 ये करा, 21 ये करा, 4 ये करा, 18 ये करा, 5 ये करा, 16 ये करा, तो हमें जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो ऑलमोस्ट सिमिलर मिलता है हर सिचुएशंस में। पूरा बच्चों क्लियर? तो यहां पर जब हम एक यूनिट्स को बढ़ाएंगे, दूसरी यूनिट को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। राइट, क्योंकि हमारे पास बजट जो होता है, प्राइसेस वगैरह जो होती है, मनी जो होता है हमारे पास, वो कांस्टेंट रहता है। राइट, वो फिक्स रहता है, उसमें बढ़ोतरी या इंक्रीमेंट नहीं होता है। यस और नो? मेरा बच्चों क्लियर? तो यहां पर सिंपल सा डायग्राम या शेड्यूल है हमारा इंडिफरेंस कर्व का, आप इसे याद कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 बहुत इजी है। मेक श्योर करना है कि वाई यूनिट्स जो भी आप लें, उसको आपको डिक्रीज ऑर्डर में लिखना है। Yes or no? चलिए, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन फ्री हैंड से बना सकते हैं, या फिर आप सेम स्केड्यूल में एक्स कमोडिटी यहां पर, वाई कमोडिटी यहां पर, डायग्राम जब आप टेबल के हेल्प से भी बनाएंगे तो कर्व बिल्कुल सेम ऐसे ही आने वाला है। इस डाउनवर्ड स्लोपिंग डिफरेंस कर्व का डायग्राम आप स्केड्यूल की मदद से बना सकते हैं या तो फ्री हैंड बना सकते हैं, दोनों में ही आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। राइट, अब इसके हर कॉम्बिनेशन पर अगर आप पॉइंट लगाते हैं तो ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू ई भी बोल सकते हैं, क्योंकि हर कॉम्बिनेशन हमें इक्वल सेटिस्फेक्शन रिसीव कर रहा है। यस और नो? ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू ई। राइट, क्योंकि एवरी कॉम्बिनेशन गिविंग अस द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। यस और नो? देन कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इंडिफरेंस मैप। वेन वी प्लॉट various indifference curve on a single sheet of paper or a graph is known as indifference map. जब हम एक से ज्यादा graph में indifference map plot करते हैं, हम उसको indifference map बोलते हैं। जब हम एक ही graph में एक से ज्यादा indifference curve को plot करते हैं, उसको हम indifference map बोलते हैं। Right? इस graph में देख सकते हैं आप, इस diagram में देख सकते हैं आप, IC1, IC2, IC3 और IC4।
राइट मेक श्योर क्या होगा या बात ध्यान में ये रखनी है कि कितने भी अपन इंडिफेंस कर्व बना लें कभी भी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ये प्रॉपर्टीज में हम पढ़ने वाले हैं वैसे। और द हायर द आईसी द हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दैट अ कंज्यूमर रिसीव, जितना ऊपर आईसी होगा उसका सेटिस्फेक्शन लेवल उतना ही ज्यादा होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते थे, आईसी 4 इज ग्रेटर देन आईसी 3, आईसी 3 इज ग्रेटर देन आईसी 2, आईसी 2 इज ग्रेटर देन आईसी 1, राइट। जो सबसे ऊपर होगा वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराएगा कंज्यूमर को। हेलो पूरा बच्चों क्लियर? तो ये है हमारा इंडिफरेंस मैप का कॉन्सेप्ट। अब सीधे बढ़ते हैं इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके बाद इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आने वाले हैं, बजट लाइन आने वाला है और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व के कॉन्सेप्ट में क्या होता है वो भी देखने वाले हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए जी देख लेते हैं सीधा ये अब इंडिफरेंस कर्व के फीचर या प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, इंडिफरेंस कर्व के फीचर और प्रॉपर्टीज। देखिए डायग्राम मैंने सेम रखने दिया है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन और इंडिफरेंस मैप, क्योंकि ये फीचर समझाते वक्त बहुत ही काम आने वाले हैं ये दो डायग्राम। चलिए सबसे पहला प्रॉपर्टीज या फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स, तीनों एक ही चीज होती है, सबसे पहली बात ये समझ लीजिए। हेलो पूरा बच्चों क्लियर? चलिए इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब ये इसको डाउनवर्ड स्लोपिंग कहते हैं और इसको लेफ्ट टू राइट कहते हैं, यस और नो? हो रहा है बच्चों क्लियर? इसको ही नेगेटिवली स्लोप्ड भी कहते हैं। तीनों चीजें क्लियर हो रही हैं, एक तो स्लोप्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ डाउनवर्ड हो रहा है स्लोप, राइट, लेफ्ट टू राइट हो रहा है, लेफ्ट टू राइट हो रहा है, और नेगेटिवली स्लोप्ड भी इसी को कहते हैं, पहली प्रॉपर्टी यह है। तीनों चीजें क्लियर हो रही है देखिए, और इसका रीजन क्या है, पिछले दो तीन वीडियो में मैंने पहले बताया था आपको, जब भी कमोडिटी एक बढ़े और दूसरी घटे, यही हो रहा था अभी स्केड्यूल में देखा था, एक्स कमोडिटी बढ़ रही थी वाई कमोडिटी घट रही थी, डिक्रीज हो रही थी, तो हमेशा इकोनॉमिक्स में डायग्राम ये कर्व नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा और वो कर्व लेफ्ट टू राइट जाएगा, और नेगेटिवली स्लोप जब होता है तब दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, एक बढ़े दूसरा घटे, दूसरा घटे दूसरा बढ़े, पहला बढ़े, राइट। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लियर हो रही है, सिंपल सा डायग्राम में ये शो हो रहा है, यस और नो? आप हर प्रॉपर्टीज के बाद डायग्राम भी बना सकते हैं, जैसे पहले प्रॉपर्टी के बाद ये डायग्राम आप बना सकते हैं, राइट। एन इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजन। अब ये क्या है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजन है, राइट। अगर ये उल्टी तरफ होता तो उसको कॉनकेव बोलते। कॉनकेव कैसे पता लगता, जब ओरिजन यहां से किसी डायग्राम को देखते हैं तो वो एक गुफा की शेप ले लेता, कौन सा, कॉनकेव। ये ओपन डायग्राम है, इसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्वेक्स। तो ये क्या है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजन, ओरिजन हुआ ये जगह, यस और नो? चलिए टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब ये इंडिफरेंस कर्व, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, एक से ज्यादा जब इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं तो इंडिफरेंस कर्व की खासियत क्या होती है, कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, एज गिवन इन द डायग्राम नंबर सेकेंड। हो रहा है बच्चों क्लियर? और लास्ट प्रॉपर्टी है, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जितना ऊपर इंडिफरेंस कर्व होगा वो उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। मैंने पहले भी आपको बताया था इसी वीडियो में कि आईसी 4 इज ग्रेटर देन आईसी 3, आईसी 3 इज ग्रेटर देन आईसी 2 और आईसी 2 इज ग्रेटर देन आईसी 1। हेलो हो रहा है बच्चों क्लियर? तो ये था हमारा इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। आई होप सो आपने नोट्स वगैरह लिख लिए होंगे, वीडियो को पॉज करके नोट्स वगैरह ले सकते हैं, सब कुछ आपके सामने है, राइट। टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह एग्जाम अपडेट्स के नोटिफिकेशन देते रहता हूँ, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और बेस्ट बुक वगैरह किसी भी सब्जेक्ट की परचेज करनी है, आपको ऑनलाइन खरीदनी है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाना है और लिंक्स वगैरह को क्लिक करके जो लैंडिंग पेजेस है वहां पर चले जाएंगे आप, और वहां से आपका जो मन करे कर सकते हैं, राइट। तो ये था आज का वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड बजट लाइन आने वाला है और इंडिफरेंस कर्व में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड आउट होता है वो आने वाला है, और आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आने वाले हैं, डिमांड आने वाला है, सप्लाई आने वाला है, रेवेन्यू आने वाला है, कॉस्ट आने वाला है, मार्केट आने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है। तो बने रहिएगा इस चैनल पे, तुरंत हर दिन, ऑलमोस्ट हर दिन मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो लाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ। दूसरा चैनल जो है मेरा कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड, वहाँ पर डेली वीडियोस वगैरह मुझे पोस्ट करनी पड़ती है। तो आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, राइट, एक और मजेदार वीडियो के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भेद देना है। थैंक यू सो मच।